बता दूं कि राष्ट्रलत मेरी पहली फिल्म संजय जी प्रश्न सुने ना, जहाँ पे मुझे धुरंधर आर्टिस्ट मिले साथ में, वो आर्टिस्ट जितने भी मेरे थे वो बहुत बड़ा नाम है उनका, अंकेश जी हैं, सुशील जी हैं, संजय जी हैं, पदम भैया हैं, हमारे डायरेक्टर हैं रजनीश सर, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस पहले होता है कि मैं न्यू आई थी और मेरी पहली फिल्म है तो थोड़ा डर रहता है, लेकिन उस सेट पे जाने के बाद कहीं ऐसा मुझे नहीं लगा कि ये हमारे एक्टर हैं, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलन है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा, बिकॉज कहीं ना कहीं जब वो प्रोड्यूसर मेरे साथ थे तो एक फैमिली वाला जो माहौल था वहाँ पे, वो सब लोगों ने साथ में मिलके हम लोगों ने इतनी मेहनत करी एक फैमिली की तरह, हम ये नहीं बोल सकते कि हम कोई फिल्म बना रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम लोग घर पे हैं और गेम खेल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा और नहीं कौन अच्छा बेहतर एक्टर, स्विमिंग करते थे ये आपका क्वेश्चन था कि कौन बेहतर एक्टर है, तो अब देश जी के लिए मैं कुछ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बिकॉज अगर उनके संजय पास कोई संजय पांडे जी इधर ही बैठे हुए उनके लिए वर्ड्स हैं, अब देश जी के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, बिकॉज जब वो एक्टिंग करते हैं अगर उनको कोई लाइन भी ना दो तो अपनी आंखों से एक्टिंग करते हैं, और एक आर्टिस्ट की बहुत बड़ी काबिलियत होती है कि वो अपने आंखों से एक्टिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, आई थिंक हम सब लोग उन लोगों से उनसे सीखना चाहते हैं कि वो किस तरीके से उठते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से चलते हैं, उनका हर एक किरदार मैंने उनके साथ अभी नहीं तो कम से कम 7 फिल्में करी और उनका हर एक किरदार बहुत ही अलग होता है, वो अपने आप को उस चीज़ में ऐसे ढाल लेते हैं कि वो तो आप चीज़ों को पूरा अपना लेते हैं जी। रही संजय जी की बात तो उनसे भी हमारे साथ में सीन भी नहीं थे फिल्म में कोई, आप अपने रोल के और कितने संतुष्ट हैं? मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मेरी पहली फिल्म है और पहली फिल्म में नहीं तो फिल्म में 80% या 70% मेरा कैरेक्टर है, और रजनी सर ने बहुत विश्वास किया, थैंक यू सो मच सर, और मैं अपने कैरेक्टर को लेकर थोड़ा सा नर्वस थी बिकॉज मैंने रजनी सर से डिस्कस भी किया था, पर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है रजनी सर के डायरेक्शन में मैंने जो काम किया है, रजनी सर एक ऐसे डायरेक्टर है कि वो एक्टर को निखारना जानते हैं, वो एक्टर को इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि फिर आपके अंदर डर नहीं रहता, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं आपको करना है, और थैंक्स टू रजनी सर की वो कॉन्फिडेंस सर के अंदर जगह है, और मैं अपने कैरेक्टर को लेकर बहुत खुश हूँ, मेरी पहली फिल्म है जो 12 जुलाई को रिलीज होगी। कि अब जैसे डमरू लोगों ने क्यों नहीं पसंद की, उसमें हमारा भी ये था कि हमने कुछ ज़्यादा ही दर्शकों को सीधा साधा भोजन लगता है परोस दिया था, तो बात ये हुई कि इस बार जरा कमर्शियल भी करके देखें, लेकिन शर्त यही होती है कि हमारी फिल्म में ना कोई अश्लीलता होगी, ना उसकी भाषा में, ना उसकी शूटिंग में, ना गाने में, ये हम लोग ध्यान रखते हैं। तो राज तिलक के बारे में जब हमने ये डमरू हुआ तो सबको लग रहा था कि, मैं बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं कि मैं हिंदी भी करता हूं, मराठी भी करता हूं, और मेरे को अवधेश मिश्रा जी ही इस इंडस्ट्री में लाए थे, तो मैंने उनसे उस दिन भी कहा था कि सर भोजपुरी में जाऊंगा लेकिन मेरे से वो सब चीज़ होगी नहीं सर जो चल रही है। उन्होंने कहा सर आपको जो करना है अच्छा करो, हम लोग आपके तरफ पूरी तरफ से साथ में। तो मैंने वो डमरू स्टार्ट किया और डमरू को पसंद किया और अच्छे से बनाया, दर्शक आए नहीं आए वो गलत, वो अलग बात है, लेकिन चैनल पे टीवी चैनल पर वो TRP में अभी भी नंबर 4 पर है, YouTube पे, और इसकी संतुष्टि है। इसके बाद कुछ टाइम बीता, ये साल भर बीत गया और नेशनल में हमने वैसे ही भेज दिया था तो वहाँ वो सेलेक्ट हो गए, तो ठीक है मैंने अपना काम किया, अच्छा काम किया, और प्रोत्साहन पब्लिक से नहीं मिला, मिला भी जिन्होंने मेरे को दिया, जो देखने गए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पर जो नहीं जा पाए उनसे ये रिक्वेस्ट जरूर है कि राज तिलक, वो अगर मसालेदार ही देखना चाहते हैं तो राज तिलक देखें, लेकिन उसमें भी उनको एक संस्कार और एक बिहार यूपी की जो माटी की सुगंध है वही मिलेगी, न अश्लीलता मिलेगी और न कोई अदर वल्गरिटी मिलेगी। पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं। तो हमने फिर इस तरह से राज तिलक के ऊपर काम करना शुरू किया, तरह तरह की स्टोरियाँ हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया और एक लाइन लिया कि एक घर का बड़ा बुजुर्ग यदि अपने घर के लिए कुछ कर सकता है तो पूरे गांव के लिए क्यों नहीं कर सकता, उसके सुख दुख में या उसके दुख दर्द को क्यों नहीं दूर कर सकता, तो उसके लिए हमने फिर इस फिल्म को पूरा डेवलप किया। और जैसा कि रजनीश जी बता भी रहे थे
कि गॉडफादर का थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में चल रहा था, तो हमने भोजपुरी में उसी टाइप का थोड़ा ताना बाना बुन के और पूरा पारिवारिक और संस्कार से युक्त फिल्म बनाई है। म्यूजिक और ये सिनेटोग्राफी जो आप बोलते हैं DOP, उनका काम भी बहुत तगड़ा है, म्यूजिक बहुत अच्छा है। और अच्छा होता है, पेट से सीख के तो आता नहीं है, मौका वैसी फिल्मों का। लेकिन कैसे बाबा ने बोला कि अगर आप में बहुत सारा टैलेंट है, आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन आपको वैसी फिल्म ना मिली हो, तो ये मेरी किस्मत कही जाएगी कि मैं वैसा फिल्म नहीं कर सका। और उम्र का भी एक बात होती है, अगर बचपन में ही मैं सलमान खान बन जाऊँ तो हर बच्चे पैदा होते ही सलमान खान बन जाएंगे। एक एज होती है, एक मैच्योरिटी होती है, और अभी मेरा एज हुआ है कि मैं ऐसा फिल्म करूँ, मुझे वैसी कंसेप्ट मिल रही है। और आपने बोला, मैं आपकी बातों को सम्मान करता हूँ, कोशिश करूँगा कि और अच्छा अभिनय करूँ। और राज तिलक देखने जाएंगे लोग तो मुझे पूरा उम्मीद है, वैसे तो लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं मानता हूँ क्योंकि कलाकार हर रोज सीखते हैं, लेकिन राज तिलक जब आप लोग देखने जाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं, अब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। जी, इसी से कंटिन्यूइंग सवाल ये है कि जैसा कि अवधेश जी ने कहा कि भैया दर्शक ही दोषी है, आपको भी लगता है कि अगर चोरिया के गाने आप बनाते हैं और लोग उसे सुनते हैं, आपने बनाए तो लोगों ने सुने, तो वो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आप भी मानते हैं कि दर्शक ही जिम्मेदार है? देखिए ठीक है, मैं मान लिया कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं वैसे गाने बनाता हूँ, लेकिन जैसे मीडिया से भी जुड़े बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, हम लोग भजन बनाते हैं, हम लोग देवी गीत गाते हैं, सावन के गीत गाते हैं। नहीं, फिल्म में तो 1 करोड़ से ज़्यादा बजट आया है, रिकवर किए हैं, लेकिन ये कि हमारे उसमें मुझे टेक्निकली बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट एक ऑडियंस है, जो एक तबका है जो सिनेमा हॉल तक नहीं जाता है हमारा। क्यों सर? वो तबका अभी नहीं ठिठका है हमसे, अभी तो हमने जो शुरुआत हुई 2004 से ससुरा से तो अच्छी फिल्में ही बनी हैं। आई थिंक एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं वो लोग भोजपुरी को लेकर, एक परिवेश का भी असर, और अभी जो दौर है मुझे लगता है अभी जो फिल्में बन रही हैं वो उन दर्शकों को ध्यान में रख के बन रही हैं, लेकिन उनके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है भोजपुरी को लेकर, उस चक्कर में अच्छी फिल्में भी मारी जा रही हैं। जो अवधेश जी ने बात कही मैं उससे सहमत हूँ कि हाँ आप देखिए तो हम आपको सब दे रहे हैं, अगर आपने खराब देखा तो अच्छा भी तो देख लो एक बार, हम कोशिश कर रहे हैं आपकी आदत बदलने की, चले गलती हम ही ने की तो सुधारेंगे भी हम ही, अगर आपने चोली पकड़ा है तो सर हम आपको आरती भी दे रहे हैं, हम आपको अच्छी चीजें भी दिखा रहे हैं। और राज तिलक उसी कोशिश की एक में बहुत बड़ी शुरुआत है मुझे लगता है, तो ऑडियंस आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ऑडियंस है, अगर ऑडियंस नहीं होती तो यूट्यूब पर भी नहीं होती। दर्शक तो है, ये कोई नहीं कह सकता कि भोजपुरी में दर्शक नहीं है, वरना इतने करोड़ हमारी और दर्शक नहीं जाते। अब वो दर्शक बट गए हैं, कुछ यूट्यूब में चले गए, कुछ चैनल में देख रहे हैं, कुछ सिनेमा हॉल में देख रहे हैं, कोशिश है कि वो सब एक जगह इकट्ठा हो, और राज तिलक उसी दिशा में मुझे लगता है एक सफल कोशिश है। संजय जी, आपको कब कब लगता है, कब कब ऐसा लगता है कि आपने ईमानदार कोशिश की, आपकी पेटेंटी ने ईमानदार कोशिश की, अच्छी फिल्म बनाई, नाम से बताएं मुझे, और दर्शकों ने उसे नकार दिया, आपने मेहंदी बनाई, लोगों ने बहुत पसंद किया, हाँ बताएं जरा कि कौन नहीं, सिर्फ मेरी फिल्में नहीं है, सबकी बात कर रहा हूं, मेरी फिल्में नहीं है, हर अलग अलग निर्देशकों की बहुत सारी फिल्म है, जैसे कल्लू जी ने की थी आवारा बलम, बहुत प्यारी फिल्म बनाई थी चंदन उपाध्याय ने, और सहरा बांध के रखना ये भी एक बहुत अलग फिल्म बनाई थी, उसमें कहीं से कोई वैसा वल्गर है वो नहीं था, एक 3 भाइयों की कहानी थी और बड़ी खूबसूरत कहानी थी। और अवधेश जी की लाइफ में मेरी उसमें भी ऐसी बहुत फिल्में हैं, मैंने एक फिल्म की थी महेश पांडे डायरेक्टर थे उसके, रानी चली ससुराल, कहीं से कुछ गड़बड़ नहीं था, नहीं चली हॉल में। सपूत बनाई उन्होंने खेसारी जी और मनमोहन तिवारी को लेकर, नहीं चली हॉल में। डमरू एक बहुत बड़ा उदाहरण है, डमरू, हाँ डमरू इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई थी प्रदीप जी ने, रजनी जी ने एक अलग कॉन्सेप्ट बनाया था, सर ढेरों ऐसी फिल्में हैं। वो जो बात कही कि ऑडियंस को आदत पड़ी है, ये ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट कर रही उस चीज को, थोड़ा समय लगेगा, एक पूरा परिवर्तन होने में झटके से नहीं होगा सर।